short one. And action. देखिए दोस्तों, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की स्टारर मूवी फाइटर का शूटिंग किस प्रकार से किया गया था। फाइटर मूवी की मेकिंग को मैंने 10 भागों में बांटा है, जिसमें से यह पहला वीडियो है। इंडी स्क्रीन में आने वाली वीडियो इसका दूसरा भाग होगा, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि फाइटर एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, लेकिन इसके साथ ही यह फिल्म इंडिया का फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी है। मतलब कि यह इंडिया का ऐसा पहला मूवी है जिसमें हमें आसमान में इस तरीके का फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं दोस्तों सिद्धार्थ आनंद, इनका यह सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि इन्होंने इससे पूरा भी किया। तो चलिए दोस्तों अब फाइटर मूवी के मेकिंग प्रोसेस को देखते हैं और इससे जुड़ी कुछ अंदरूनी बातों को जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके हमारे इस चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इस मूवी में हमें जितने भी इस तरीके का सीन देखने को मिला था दोस्तों, सीन को ऑथेंटिक दिखाने के लिए इसमें रियल हेलीकॉप्टर, चॉपर और रियल एयरक्राफ्ट का यूज किया गया था। हालांकि इसमें VFX और CGI का भी यूज किया ही गया होगा और यह जरूरी भी हो जाता है ये सब शॉट को दिखाने के लिए। लेकिन ये सब बिहाइंड द सीन में आप पीछे रियल एयरक्राफ्ट और रियल एयरबेस को देख सकते हैं। जैसे कि यह फिल्म इंडियन एयरफोर्स पर बेस्ड है तो इसलिए इस फिल्म का शूटिंग मुंबई, असम, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर जैसे जगहों पर किया गया था, क्योंकि इन जगहों पर इंडियन एयरफोर्सेस का कैंप मौजूद है। आप देख सकते हैं यह बिहाइंड द सीन मूवी के क्लाइमैक्स सीन का है, जहाँ पर पाकिस्तानी आतंकवादी के टेरिटरी को दिखाया जाता है। इसी जगह पर ताज को कैद करके रखा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस पूरे सेट को मुंबई में एक जगह पर बनाया गया था। लेकिन यह वाला सीन जहाँ पर इंडियन गरुड़ कमांडो प्लेन से जंप करने के बाद बर्फ पर इस तरीके से चलते हैं, तो इसको किसी बर्फीले जगह पर ही शूट किया गया था। बाकी यहाँ पर आप क्लाइमेक्स के और भी सीन का शूटिंग करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक बड़ा सा ब्लास्ट सीन भी दिखाया गया था, तो आप इस सीन के शूटिंग के BTS को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको शूटिंग वीडियो में पीछे कुछ बिल्डिंग नजर आ रहा होगा, जो कि ऐसा कुछ भी आपने मूवी में नहीं देखा होगा। तो इस जगह पर VFX और CGI का यूज किया गया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मूवी स्टोरी यह लोकेशन POK में लोकेटेड था, जो कि एक बर्फीली जगह है। तो हमें इसी लोकेशन को VFX की मदद से वैसा दिखाया गया था। तो दोस्तों इसका भी VFX ब्रेकडाउन हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप अभी इंडी स्क्रीन में आएगी वीडियो पर क्लिक करें।